हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हेलो दोस्तों, लोग अभी थोड़ी सी राइड के लिए निकलने वाले हैं और भारती को भी आज मैं थोड़ी सी ट्राई करवाऊंगा। चांस मिलने वाला है मुझे शायद, अभी श्योर नहीं है क्योंकि और इसकी चाल जो है वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में क्लोजली। तो हम दूसरे फार्म में लेके जा रहे हैं, रामदेव यहाँ से लेके जाएगा, मैं स्कूटी लेके जा रही हूँ क्योंकि कैमरा और सब लेके जाना है साथ में। आज मुझे देना है प्लीज राइडिंग के लिए अंडर सुपरविजन। देखते हैं नहीं, थोड़ा सा वो तो दो होता है, लेकिन शिवानी की इसी वजह से थोड़ी सी उसकी आदत बिगड़ी क्योंकि जब नया राइडर बैठता है और वो खुद अभी सीख रही है तो इससे घोड़े कन्फ्यूज होते हैं कि मुझे करना क्या है। वैसे उसको सुधारूंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम निकाल के करना पड़ेगा। और तोरी ऑलरेडी रेडी है चलने के लिए, लेकिन फिर मैं भारती को धीरे धीरे सिखाते जाऊँगा। साथ साथ में मुझे खुद भी शौक है कि भारती राइड करे और साथ साथ में मुझे अपनी घोड़ी को भी परफेक्ट क्लियर चाल में जो चलती है वही रखनी है उसको ऐसे ही। तो लेट्स सी। लेकिन बहुत ही अच्छी घोड़ी है ये, इसकी आदतें जो है अभी बहुत ही मेरे साथ इसका बॉन्डिंग भी हो गया है और बैठने में भी कोई वो नहीं कर रही प्रॉब्लम्स। लाया था मैंने इसको कल। दौड़ के पीछे कैमरा लेके थक चुके हैं, मैंने थोड़ी देर ड्राइव भी की थी चलाने।
हाँ चलक माहिरी वहाँ है पास मोड़ते जाएँ ओके वहाँ है जब ये सारा फाइल क्या ये भी है ही बेटा कर लीजिए पास ये बकरियाँ पेड़ बकरियाँ शिवानी से तोरी से डर के भाग रही है थोड़ा सा दोनों को सेटिंग सही नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। रास्ते तोरी के लिए अभी सारे रास्ते इसके फेमिलियर नहीं हुए, कुछ रास्ते इसके फेमिलियर हैं, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे चलती है। जब मैं राइड करता हूँ तो इसको अब हमारी दोनों की जो बॉन्डिंग होती है वो ऑलरेडी बन चुकी है, और राइडिंग के बाद घोड़ों को थोड़ी देर सेडल आप ही रखना चाहिए इनका सेडल, या तो हमारी लैंग्वेज में ये देसी जो सेडल है हमारा, धरी जिसको हम बोलते हैं, इसको तंग ढीला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो इसको फ्लिप की वो बड़ी होती है, इसलिए इसको जो हमारा हम जैसे हाँफते हैं थोड़ी देर ये हाँफते हैं, लेकिन अभी इसको इतनी थकान है नहीं, इससे कुछ नहीं होता। इतने किलोमीटर भी नहीं किए हमने इससे राइड, ये इजीली 8-10 किलोमीटर चल सकती है रेवाल चाल, लेकिन रेवाल चाल में थोड़ा सा घोड़ों को ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन बहुत ही क्लीन चलती है ये, स्मूथ राइड होती है, आप देख ही रहोगे ऑलरेडी वीडियो में देख लिया होगा। सो इसलिए मैंने तोरी को बाय किया है, स्पेशली इसकी जो इसकी खासियत है इसका चलना, इसकी चाल के लिए। और देखो खाना इसको अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, इसको जो मैं खिलाना चाह रहा हूँ, और अच्छे से खा रही है, थोड़ा बहुत दिख रहा है इसकी बॉडी में, चने खा रही है, गुड़ भी साथ में, जो भी दूसरी चीजें हैं सब खा रही है। क्वीन ऑफ द हॉर्सेस सब सुन रही हूँ वहाँ से, ऐसे बोल रही हूँ। हाँ वो अभी थोड़ी मस्ती कर रही थी शिवानी, कल लेके गई थी ना शिवानी, आज भी कर रही थी। हाँ कल उसकी शिवानी शिवानी और ये थे हमारे कैमरामैन, एक दो और भी थे रामदेव के जो गांव का ग्रुप है उसमें से, तो वो भी नहीं आए हैं।